नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मद्रास के 2017 में एग्जाम हुआ था और उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या कैसा स्टैंडर्ड रहता है आने वाले समय में, आपके मद्रास की जो है वो भर्तियाँ निकाली जाएंगी, तो उसी लेवल की पेपर को हमें देखते हुए चलना है। और हमें उसी लेवल का नहीं बल्कि आगे एक कदम दो कदम जो है वो आगे बढ़ते हुए अच्छे से जीके की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। आपने अभी कांस्टेबल का पेपर देखा था, किस तरीके से जो है वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो जीके के पूछे जाते हैं दरअसल। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो जयबिलास महल जो है ये कहाँ पर है। तो जयबिलास पैलेस भी कहते हैं, जयबिलास महल भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं दरअसल। ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है ये जयबिलास पैलेस, ग्वालियर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूजन करता है कि माधव माधव बिलास पैलेस या महल ये कहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है, शिवपुरी में है, ना कि ग्वालियर में। ठीक है, शिवपुरी में है और जयबिलास पैलेस हो गया ये आपको जो है वो ग्वालियर में देखने को मिलता है। ग्वालियर में आपको लक्ष्मीबाई की समाधि हो गई, गजराजा मेडिकल कॉलेज होगा जो कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। और बात की जाए तो आपको घाटी का अभयारण्य जो है वो भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलता है। तो इन सबको आपको याद रखते हुए, सारी चीज़ों को जो है वो कवर करते हुए चलना है। लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये भी वहीं पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अन्य कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी ज्योग्राफी है वो आप पढ़ लीजिएगा, कौन कौन राज्यों से कितने जिले लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, 6, 5, 7 और बात की जाए 4। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की मैं कुछ इस तरीके से जो है मैप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इधर बात की जाए तो आपको जो है ये राजस्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए तो आपको गुजरात, और ये आप नीचे का पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर जो है वो महाराष्ट्र है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो ये यूपी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 5 राज्यों से जो है ये जीव सीमा साझा करता है। तो इनको आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा जिले जो है वो यूपी से लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एरिया है, अगर हम इस एरिया की बात करें, तो राजस्थान से लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नौराता जो है वो ये मध्य प्रदेश के देश क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ये कौन से नृत्य में किया जाता है, बुंदेलखंड में, चित्रकूट में, बघेलखंड में या मालवा में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये बुंदेलखंड में किया जाता है। दरअसल बुंदेलखंड की जो अविवाहित लड़कियां हैं, तो ये नौराता के समय पर जो है वो वहां पर लोक नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। तो आप समझ सकते हो ये मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उससे भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमें टॉपिक जो है वो पढ़ना पड़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अलीराजपुर किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया। अलीराजपुर को जो जिला बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था, ये पूछा गया है। 2006, 2007, 2008, 2005 या बात की जाए। इसका आंसर हो जाएगा 2008 में जो है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को जो है वो बनाया गया था जिला। ठीक है, और बात की जाए तो अभी आपको करंट याद रखना है, करंट में कौन सा है, निवाड़ी, निवाड़ी है जो किससे, टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ से अलग होके जो है वो बनाया गया, ये बनाया गया 2 अक्टूबर 2018 को। तो ये डेट आप याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, डेट से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी मध्य प्रदेश में जो बात की जाए तो 52 जिले हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि 52 नहीं है, ज्यादा है, तो अभी वो प्रस्तावित है, अभी बने नहीं है। तो आपको करंट से याद रखना है, मतलब अभी 52 जिले जो है वो एकदम एग्जैक्ट है, बाकी के अगर आगे अगर बनते हैं तो वो भी आपको अपडेट कराया जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों को पेड़ लगाए गए थे। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उस समय जो है वो 16 जिलों के वहां पर पेड़ लगाए गए थे। तो आपको करंट अफेयर्स अभी का करना है, ना कि पिछला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो करंट अफेयर भी हम कवर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म
हाल ही में खोजा गया बुंदेलखंड, चित्रकूट, सतपुड़ा, पठार या बात कीजिए मालवा, तो ये भी उस समय का ही करंट अफेयर्स है। 2017 में जब वो एग्जाम हुआ था तो उस समय जो है वो चित्रकूट में खोजे गए थे। तो अभी अगर आप करंट की दृष्टि से याद रखें तो डेक्कन डेक्कन सोनिया याद रखना है, डेक्कन सोनिया जो है ये जीवाश्म खोजे गए। जीवाश्म ये कहाँ पर खोए गए, ये भीमबेटका में, भीमबेटका, ठीक है, जो भीमबेटका है जो कि कहाँ पर पड़ती है, रायसेन में पड़ती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, इनको 2003 में जो है वो शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश की भीमबेटका हो गई, और रायसेन में आपको झांसी के सूद, छतरपुर में खजुराहो के मंदिर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं। तो अभी करंट की दृष्टि से आपको डिकिंसन याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेहरू, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 1997 में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय मैच को 3 ओवर को जो है वो बाद में निलंबित कर दिया। तो ये मैच क्यों निलंबित कर दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स और बाकी जो हिस्ट्री है, जो क्रिकेट है, उससे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो उस समय जो है वो पिच जो है वो एक तरीके से खेलने लायक नहीं बची थी, तो इस वजह से जो है वो 6 3 ओवर जो है वो निलंबित कर दिए गए थे। तो ये आप थोड़ा अपने हिसाब से लगा भी सकते थे, अच्छा सुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रण भीड़, तो ऐसा तो नहीं होता है, पिच खेलने लायक नहीं थी, तो इस वजह से। अगला प्रश्न देखिए, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, खजुराहो, ओरछा, उज्जैन या महोत्सव। तो ये आपको जो है वो बुंदेलखंड में देखने को मिलती है, बुंदेल बुंदेलखंड में, ठीक है, और ये ओरछा में है, ठीक है। तो ओरछा में है बुंदेलखंड, और वहां पर बात की जाए तो बुंदेलखंड में जो है, ओरछा में जो है देखने को मिलती है लाला हरदौल, आला उदल हो गए, तो इन सब की जो कथाएं या कहानियां हैं वहां पर प्रचलित हैं, जो कि वीर रस से जो है वो संबंधित हैं। ओरछा अब जो है वो ये निवाड़ी जिले में आता है, पहले टीकमगढ़ में आता था, तो याद रखना है निवाड़ी जिले में जो है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 2016-17 में, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो अभी के याद रखना है, कालिदास सम्मान से पूछा गया था, उस समय जो है वो किसको मिला था। तो अभी देखिए, अभी हम 2018 की बात करें तो एलजीरा एलो मेनन को मिला था विजुअल आर्ट के लिए, 2018 में जो है वो ये मिला था सुंदर वर्मा को थिएटर के लिए, और 2020 को आपको याद रखना है संगीता कलंदी अरुण सैराम साईराम, ठीक है, अरुणा साईराम, तो ये म्यूजिक इंडियन म्यूजिक का जो है वो है, तो इनको दिया गया था कालिदास सम्मान। तो ये अभी के आपको याद रखना है, पिछले याद नहीं रखना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि स्पोर्ट करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुलसी सम्मान हो गया, और आपसे कालिदास सम्मान हो गया, तानसेन सम्मान हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर राजवंश इंदौर से जो है वो शासन करते थे होलकर, सिंधिया, मराठा और मालवा, ठीक है। तो जो इंदौर राजवंश इंदौर है, तो वहां पर जो है वो होलकर राजवंश का जो है वो शासन हुआ करता था। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है दरअसल, तो हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी मध्य प्रदेश की। तो होलकर सिंधिया होगा, ये ग्वालियर से संबंधित है, तो ये आपसे पूछ लिया जाए। परमार आपसे पूछ लिया तो भोपाल हो गया, और धार उनकी राजधानी हुई थी, तो धार में भी जो है परमार वंश ने शासन किया था। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, इनमें से कोई नहीं, ग्वारपाटा, सफेद मूसली और उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सफेद मूसली और ग्वारपाटा, ये दोनों ही जो है वो मध्य प्रदेश की औषधीय पौधे हैं। और बात की जाए तो यहाँ से आपको जो जड़ी बूटियां हैं मध्य प्रदेश में कौन सी क्या चीज पैदावार होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता पूछे गए हैं कौन है, कुंजीलाल दुबे, पीवी दीक्षित, एम अधिकारी या पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए, कुंजीलाल दुबे जो थे ये प्रथम अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, पीवी दीक्षित की बात की लोकायुक्त, लोकायुक्त प्रथम, ठीक है, ये फर्स्ट है सभी मैं जो बता रहा हूँ, एम अधिकारी दरअसल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रथम महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता है, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल की बात की जाए तो ये कौन थे, सीएम थे फर्स्ट। ओके, तो जो फर्स्ट व्यक्ति है, महिलाएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मिशनरीज है जो है वो देखने को मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, देखिए मुख्य सचिव पूछा गया, पहली है, तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पहले व्यक्ति जितने भी हैं उन सबको रट लीजिए। दरअसल इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला बोस, निर्मला बोस जो थी वो पहली महिला सचिव थी, मुख्य सचिव थी मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिए, इंदौर घराने स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, उस्ताद अमीर खान, उस्ताद बड़े मोहम्मद खान, अब्दुल करीम खान और रहमत अली खान।
तो इस तौर घराना स्थापित करने की वही कर सकता है जो काफी अमीर हो। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमीर खान। तो ये बहुत अमीर थे जिसकी वजह से जो है इन्होंने इंदार घराना को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से भाग को अलग करके 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा, दरअसल ये पूछा गया है कि कौन सा हिस्सा जो है वो अलग करके जो है वो मध्य प्रदेश का बनाया गया था। तो ये आपको पता हो तो पहले जो है वो मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से पूरा था, ये तो ये वाला हिस्सा अलग कर दिया गया और इसको जो है वो छत्तीसगढ़ जो है वो बनाया गया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा दक्षिण पूर्वी या पूर्वी दक्षिणी जो है वो ये हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। उस समय देखिए अलग नहीं हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले थे मध्य प्रदेश, फिर अलग होने के बाद 45 जो है वो 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे और 45 जो है वो बचे हुए थे एमपी में। तो ये भी आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में उच्चतम चोटी क्या है? तो मैंने जैसे कि बोला आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नदियाँ नदी नदियाँ हो गई, पहाड़ अभयारण्य हो गए, ये सब चीजें देखने को मिलते हैं। कैमूर पहाड़ी, कलसुवाई पहाड़ी, धूपगढ़ या गुरु शिखर, इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ जो है ये है 1350 मीटर की है और ये कहाँ पर है? पचमढ़ी पर। पचमढ़ी जो है ये होशंगाबाद में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा की आपसे पूछी जाए तो शिगार जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की पूछी जाए तो गुरु शिखर है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कहाँ स्थित है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर? मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है उसका कार्यकाल या बात कार्यालय, सॉरी कार्यकाल नहीं, कार्यालय जो है वो इंदौर में है। ये एमपीपीएससी बोर्ड जो है वो इंदौर में है, ठीक है, और व्यापम पीवी बोर्ड जो है वो भोपाल में है। नेक्स्ट देखिए, कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व जो है वो आधिकारिक शुभंकर का नाम पूछा गया है, भूर सिंह, शेर खान, वर सिंह या बघीरा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन, मध्य प्रदेश का, बात की इंडिया का एकमात्र जो है वो राजस्थान जो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो इसका शुभंकर है भूर सिंह। ओके, याद रखना है मध्य प्रदेश का पहला जो है नेशनल पार्क है, ठीक है, ये 1955 में बना था और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका जो है वो ये कौन से जिले में है, कौन से जिले में है मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व? नेक्स्ट है, यहाँ पर रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है? सिरपुर, इनमें से कोई नहीं, शाजापुर या रामगढ़? तो रानी अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ से संबंधित है, इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, रामगढ़। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण, विजय राय सिंधिया, आचार्य केशव और अनिल काकोडकर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, शंकर लक्ष्मण जो है ये हॉकी के प्लेयर हैं और इन्हीं को जो है वो बुलेट के काम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है इनका याद रखना है। विजय राज राजे सिंधिया, इनको राजमाता का नाम से जाना जाता है, राजमाता के नाम से जाना जाता है। आचार्य केशव दास, इनको कठिन काव्य का प्रेस जो है कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रतीक को कहा जाता है। और अनिल काकोडकर जो है वो इनको विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके तो ये थे दोस्तों 20 प्रश्न जो फॉरेस्ट में पूछे गए थे, और आप लोगों को अभी एमपी फॉरेस्ट की तैयारी अच्छे से करना है तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। यहाँ पर लिमिटेड ऑफर है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2022 का जो है यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आपको टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराए गए। तो यहाँ पर आप लोगों के वैसे तो आपको ये 299 पड़ेगा, लेकिन आप GOV50 कोड यूज करोगे तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 149 रुपये में जो है ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।